हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं सीमांत पड़तर पद्धति, जो कोस्ट अकाउंट का एक चैप्टर है। ये चैप्टर एग्जाम में 14 मार्क का पूछा जाता है। हाँ, बट इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, 7-7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हमें रीड करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो फॉर्मूला मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो पहले हम देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है समतुल्य बिंदु नो वेचाण। ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि समतुल्य बिंदु का यही फॉर्मूला होता है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं। तो ये कब अप्लाई करने का, तो देखिएगा, जब भी एकम डिट दिया हुआ ना, जब भी जो भी अमाउंट रहेगी, अगर एकम डिट दी रही होगी तो आपको समतुल्य बिंदु के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला क्या है कि समतुल्य बिंदु बराबर स्थिर खर्चा अपॉन में एकम डिट वेचाण माइनस एकम डिट चलित होगा, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई करना समतुल्य बिंदु का, जब एकम डिट दिया होगा तब। शॉर्टकट में हम ऐसा भी अप्लाई करके लिख सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इज इक्वल टू स्थिर के लिए आता है फिक्स एफ, और अपॉन में सेल्स के लिए एस, और चलित के लिए वी आता है, एफ अपॉन एस माइनस वी। ऐसा भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कुछ सम प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग के जो सम्स हैं वो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिकल सम्स है, स्टार्टिंग का ही नंबर वन सम्स, तो मैं पहले रीड कर लेता हूँ अच्छे से। देखिए क्या लिखा गया है, एक कारखाना में जून 2008 दरमियान उत्पादन की माहिती नीचे मुजब हती। अब देखते हैं डिटेल में क्या दिया गया। उत्पादन 10,000 एकम, एकम भी चलित 40 रुपया, कुल स्थिर खर्चा 2,00,000, अने वेचाण कीमत एकम 60 रुपया। समतुल्य बिंदु शोधो, क्या लिखा गया देखिएगा, समतुल्य बिंदु शोधो। तो पहले सम्स को देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर लेता हूँ जो दी गई थी सम्स के अंदर, सम्स नंबर वन। आज हम बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन में दिया गया था वो था एकम डिट वेचाण। तो एकम डिट वेचाण दिया गया था 60 रुपया, राइट। वहीं पर एकम डिट चलित की बात करो तो एकम डिट चलित जो दिया गया था वो था 40 रुपया, और साथ में स्थिर खर्चा वो हमेशा अमाउंट में होता है, रकम ही होती है, वो दिया गया था 2,00,000, राइट। ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी सम्स में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, समतुल्य बिंदु। तो समतुल्य बिंदु का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, स्थिर खर्चा भाग्य एकम डिट वेचाण, राइट, एकम डिट वेचाण माइनस एकम डिट चलित, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो स्थिर खर्चा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2,00,000 दिया गया, राइट ना। और अपॉन में एकम डिट वेचाण जो सम्स में दिया हुआ है, एकम डिट वेचाण कितना दिया हुआ है 60 रुपया, माइनस एकम डिट चलित वो कितना दिया हुआ है 40 रुपया, राइट। तो 2,00,000 डिवाइड में कितना आएगा 20, तो आंसर हो जाएगा 10,000। ओके, याद रखिए एकम डिट सोल्व करके जो आंसर आएगा ना वो हमेशा एकम में आएगा, वो आंसर कहते हैं एकम है, तो 10,000 एकम। अगर सम्स में मांगा रुपए, आप सम्स में क्या मांगते हैं, कभी कभी अमाउंट भी मांगते हैं, तो अमाउंट करने के लिए क्या करने का, जो एकम मिला है 10,000 एकम, उसका मैं इंटू कर देने का, जितना एकम डिट वेचाण होगा उससे इंटू कर देना है, तो उस समय अमाउंट मिल जाएगी। तो एकम डिट कितना है 60 रुपया है बराबर वेचाण, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,00,000। ये हो गया हमारा अमाउंट, रुपए में आंसर हो जाएगा 6,00,000 और एकम में आंसर हो जाएगा 10,000। तो ये आप सम्स हो गया सॉल्व। देखते हैं आंसर भी चेकआउट कर लेते, तो आंसर दिया गया समतुल्य बिंदु 10,000 एकम, अने रुपया में हो तो 6,00,000। बात करें सम्स एक और सम्स सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसी के नीचे। ओके, वो भी रीड कर लेता हूं मैं एक बार। नीचे की माहिती प्रति समतुल्य बिंदु शोधो, अगेन यहाँ पे समतुल्य बिंदु ही ज्ञात करने को बोला गया। डिटेल में क्या दिया गया, स्थिर खर्चे का अमाउंट दिया गया 80,000, चलित दिया गया एकम डिट 4 रुपया, यहाँ पर वेचाण दिया गया 2,00,000, ये अमाउंट दी गई है, बट नीचे वेचाण की एकम डिट भी दी हुई है 20 रुपया। ओके, वापस सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखो वापस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 समतुल्य बिंदु, तो समतुल्य बिंदु का वही फॉर्मूला रहेगा, राइट। आता है स्थिर खर्चा अपॉन में आता है एकम डिट वेचाण माइनस होता है एकम डिट चलित। ओके, तो चलित खर्चे की अमाउंट, सॉरी स्थिर खर्चे की अमाउंट कितनी दी थी, स्थिर खर्चा दिया है 80,000, 80,000 दिया गया है स्थिर खर्चा, तो स्थिर खर्चा बराबर 80,000 हो जाएगा। एकम डिट वेचाण, तो एकम डिट वेचाण दिया गया 20 रुपया, और एकम डिट चलित जो है यहां पर दिया गया है 4 रुपया,
राइट। तो एकम डीड वेचाण 20 माइनस चलित 4, तो 80,000 डिवाइड में आ जाएगा 16, तो आंसर हो जाएगा 5,000 एक मो। ये हो गया आंसर हमारा एक मो में। अगेन अगर रुपए में मांगा है तो क्या करना है, 5,000 एकम का इस किससे इंटू करने का, वेचाण कीमत से। एकम डीड वेचाण कितना रुपया, 20 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1,00,000। अगर रुपए में मांगेगा तो 1,00,000 आंसर, एकम में मांगेगा तो 5,000 आंसर हो जाएगा। ये हो गया समस्या पर कंप्लीट। तो एक और समस्या हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 को रीड करते पहले। लिबर्टी वॉच फैक्ट्री की माहिती तमोने आपवामां आवेल छे। अब डिटेल में क्या दिया गया है, उत्पादन दिया गया 90,000 एकम, स्थायी खर्चा मतलब स्थिर खर्चा 6,00,000, चलित दिया गया एकम दी 10 रुपया, वेचाण दिया गया एकम दी 20 रुपया। अब यहां सेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डिटेल हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपको। तो पहला टॉपिक है समतुल बिंदु है केतला एकमों नु उत्पादन ने वेचाण जरूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक भी क्या फाइंड आउट करना है, हमें समतुल बिंदु ही ज्ञात करना है। ओके, तो फर्स्ट पहले वही अप्लाई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है समतुल बिंदु। तो इस बार मैं फॉर्मूला अप्लाई किया बिना डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। तो वही होता है स्थिर खर्चा, तो स्थिर खर्चा अमाउंट में कितना दिया हुआ है 6,00,000, और अपॉन में वेचाण एकम 20 रुपया माइनस चलित कितना है 10 रुपया। तो आएगा स्थिर खर्चा 6,00,000 अपॉन में वेचाण एकम 20 माइनस चलित कितना हुआ 10। तो 6,00,000 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा 60,000 एकम। ये हो गया हमारा समतुल बिंदु का आंसर। अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या फाइंड आउट करना है, देखिएगा ध्यान से। वेचाण कीमत एकम दी 10% घटाड़वामा आवे तो नवू समतुल बिंदु कयू हसे। इस बार हमें क्या करना, वापस नया समतुल बिंदु ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन लिखी गई है, वेचाण कीमत एकम दी 10% घटाड़वामा आवे। तो अब जो वेचाण कीमत जो हमें दी गई ओल्ड 20 रुपीज, उसमें कहा गया अगर 10% माइनस किया जाए, 10% घटाड़ा मारे, तो नया समतुल बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि इसके अंदर हमें नया वेचाण कीमत ज्ञात करेंगे, राइट। वेचाण कीमत नया वाला ज्ञात कर देंगे, क्योंकि पुराना है 20, क्या बोला गया था 10%, तो 20 का 10% कितना हुआ 2, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो नवी कीमत वेचाण की कितनी हो गई 18 हो गई। तो अगेन हमें समतुल बिंदु ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम समतुल बिंदु फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। पहले स्थिर खर्चा 6,00,000, तो 6,00,000 रहेगा। अपॉन में क्या आता है एकम डीड वेचाण, वेचाण की न्यू वैल्यू कितना लेना है, 18 लेना है, जो 10% घटाने के बाद किया है। 18 माइनस चलित, वही पुराना चलित कितना था यहाँ पर 4 रुपया था, सॉरी चलित कितना था यहाँ पर 10 रुपया था, 10, तो वही 10 रुपया आने वाला है। तो 6,00,000 अपॉन में 8, तो आंसर आ जाएगा डिवाइड करके 75,000 एक मो। तो ये हो गया नया वाला समतुल बिंदु, अगर वेचाण कीमत में 10% घटाड़ा होगा तो। आगे थर्ड टॉपिक पूछा गया है, थर्ड टॉपिक देखिए क्या पूछा गया है। 4,00,000 नो नफो मेड़वा केटलू वेचाण जरूरी छे एक मो का। ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है। 4,00,000 नो नफो मेड़वा माटे वेचाण केटलू जरूरी छे, तो इसके लिए देखिएगा। अब यहाँ सम्स में एक कंडीशन लिखी गई है कि नफो कितना बोला गया 4,00,000। अगर 4,00,000 का नफो चाहिए तो वेचाण कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि समतुल बिंदु बराबर ऊपर आता था स्थिर खर्चा, राइट ना, तो स्थिर खर्चा रहेगा प्लस करना रहेगा नफो, क्योंकि इतना नफो में कंपल्सरी अर्न करना ही है, कमाना ही है, राइट ना। तो स्थिर खर्चा प्लस नफो हो जाएगा, अपॉन में वही रहेगा। अपॉन में जो था एकम डीड वेचाण माइनस एकम डीड चलित, सेम टॉपिक रहेगा, बस क्या हो गया प्लस नफो कर देना है। तो स्थिर खर्चा, तो सम्स का स्थिर खर्चा था 6,00,000 प्लस नफो कितना कमाने को बोला है 4,00,000, तो नफो आ जाएगा प्लस 4,00,000 अपॉन में एकम डीड वेचाण, जो पुराना सम्स में दिया गया वही लेना है इस बार 20, और चलित कितना है 10, तो 20 माइनस 10, 6,00,000 प्लस 4,00,000 हो जाएगा 10,00,000 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 10,000 एक मो। तो ये हो गया हमारा आंसर, सॉरी 10,000 नहीं 1,00,000 एकम होगा, 10,00,000 भाग्या 10 तो आएगा 1,00,000 एक मो। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो नफो कमाने के लिए जब पूछा जाए तो प्लस नफो कर देना है। तो ये हो गया सम्स सॉल्व।
ओके तो आज की वीडियो तो इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे मोस्ट ऑफ लोगों तक हम पहुंच सके। थैंक यू।